दोस्तों, क्या आप भी एनिमल लवर हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। आज हम आए हैं नदी में, जहां मछलियों को आटा खिलाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि और आने वाली ऐसी वीडियो का मज़ा आप ले सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका टेक फाउंटेन चैनल पर। तो दोस्तों, आज शनिवार है और आप देख रहे हैं यहां पे बहुत सारी मछलियां हैं, जिनको हम यहां पे आज आटा खिलाने हुए हैं। तो भगवान विष्णु जी का एक अवतार, जिसे मत्स्य अवतार भी कहा जाता है, आज हम नदी में उनको आटा खिलाने यहाँ पर आए हुए हैं। दोस्तों, मछली को भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है, तो सप्ताह के एक दिन मोस्टली शनिवार को मछलियों को आटा ज़रूर खिलाना चाहिए। इनके अंदर भी जान बसती है और इनको अन्नदान ज़रूर करना चाहिए। आप जहाँ भी रहते हो, वहाँ कोई नदी या कोई तालाब या कुछ भी जहाँ पे मछलियाँ रहती हो, तो शनिवार को या महीने में एक शनिवार को ज़रूर मछलियों को अन्नदान करें। दोस्तों, आध्यात्मिक के तौर पर अगर हम आटे में काला तिल मिला दें और उन तिल और आटे को मछलियों को खिलाएं, तो जिससे राहु केतु की दशा दूर हो जाती है, ये शास्त्रों में बताया गया है। और अक्सर पंडित जी भी यही बोलते हैं कि तिल के साथ आटा मिलाकर मछलियों को हर शनिवार को खिलाना चाहिए, इससे काफ़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो कि मछलियां पास से कितनी प्यारी लग रही हैं, इनके साथ जैसे खेलने का मन कर रहा है। इतनी सुंदर, इतनी सारी मछलियां देखकर बहुत प्यारी लग रही हैं। आप वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना, और देखना आगे कि किस तरह हाथों से मछलियां आटा खाती हैं। ये देखिए कि किस तरह मछलियां हाथों से आटा खा रही हैं। ये नज़ारा बहुत ही रमणीय था जब हमने इनको आटा खिलाया, बहुत ही मज़ा आया दोस्तों जब ये इस तरह से आटा खा रही थी। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जैसे कि पहले ही बताया कि इनको भगवान विष्णु जी का अवतार बताया गया है, और इनके अंदर भी जान बसती है और ये भी एक जीव प्राणी है। तो दोस्तों, आप भी अगर अन्नदान करते हो, जैसे कि गाय को आटा खिलाते हो या किसी अन्य जैसे कुत्ते को रोटी देते हो, तो वैसे ही दोस्तों अगर आपके आसपास भी कहीं मछलियाँ हैं तो उन्हें भी ज़रूर आटा खिलाइए। और इस माया भरी दुनिया जो पाप होते हैं उसमें कुछ पुण्य कमाइए। तो देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर ये मछलियाँ अभी लग रही हैं, इतने पास का नज़ारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा ये नज़ारा दृश्य देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, हमने भी करीब आज एक घंटा इन मछलियों के साथ बिताया, और जैसा कि मन कर रहा था कि यहाँ से वापस ही ना जाएं, क्योंकि इतना मनमोहक वो दृश्य लग रहा था जब मछलियाँ काफ़ी दिनों के बाद हाथों से आटा खा रही थी। वरना कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो आटा भी नहीं खाती हैं, और हाथों से तो दूर की बात है, वो आटा भी नहीं खाती हैं। तो दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये किस तरह मछलियाँ हाथों से आटा खा रही हैं, और ये दृश्य बहुत ही अच्छा है। मछलियाँ इस नदी के अंदर जब इतनी सारी मछलियाँ तैर रही हैं, और जो इनका दृश्य है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। जो इनके परों की जो फड़फड़ाहट है, अभी आगे वीडियो में आप सुनोगे या आपने पहले भी सुनी होगी स्टार्टिंग में, कि कितनी सुंदर वो आवाज़, कितनी सुंदर वो दृश्य उसका लगता है जब ये फड़फड़ाती हैं।
तो दोस्तों देखना दोबारा आप कैसे कितना पूरा हाथ में एक टुकड़ा लिया था, उससे पूरा ही हाथ हाथ को मुंह में डालकर खा लिया। कितनी अच्छा, मतलब हमारी तरह ये भी जीव हैं और भूख तो जैसे सबको लगती है। देखने में इतना सुंदर दृश्य लग रहा है कि मज़ा ही आ गया। तो दोस्तों मेरा भी आपसे ये निवेदन है कि अगर आपको भी इस तरह का मौका मिले तो आप ज़रूर एक बार मछलियों को आटा खिलाना और ये एहसास करना कि किस तरह जीव ये जीव भी एक प्यार के भूखे होते हैं। तो दोस्तों और वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।